क्या आपने कभी किसी क्रिएटर या इन्फ्लुएंसर के पोस्ट पर ऐसा ध्यान दिया है कि उसके पोस्ट पर काफी अच्छे एंगेजमेंट है काफी अच्छे लाइक्स है बट जैसे आप कमेंट सेक्शन में आते हो वैसे आपको देखने को मिलता है कि या तो कमेंट्स बिल्कुल रैंडम है मतलब इ है कि कोई कुछ भी कमेंट कर रहा है जैसे सिंगल एक दो वर्ड्स में कमेंट आ रहे हैं और बिल्कुल भी रिलेवेंट नहीं है या तो कमेंट बिल्कुल भी नहीं है बट एज यू कम टू द लाइक काउंट आपको लाइक like काउंट काफी अच्छा दिखता है कभी सोचा ऐसा क्यों होता है मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है एंगेजमेंट पॉट्स के वजह से अब इंगेजमेंट पॉट्स क्या होते हैं एंगेजमेंट पॉट्स ये होते हैं कि इन्फ्लुएंसर्स की कंटेंट क्रिएटर्स का एक कम्युनिटी होता है ऑन व्हाट्सएप या टेलीग्राम या इंस्टाग्राम डीएम में भी जो ग्रुप्स क्रिएट होते हैं उस तरह के कम्युनिटीज होते हैं जहां आपको एक्सचेंज ऑफ एंगेजमेंट करना होता है राइट right? कि जैसे अगर मैंने उस कम्युनिटी में कुछ शेयर किया देन ऑल द कम्युनिटी मेंबर्स हैव टू एंगेज विथ माई पोस्ट राइट और उसी तरह से मुझे भी सारे कम्युनिटी मेंबर्स के पोस्ट के साथ एंगेज करना है तो ये कम्युनिटी इंगेजमेंट होता है कम्युनिटी में एक्सचेंज ऑफ इंगेजमेंट होता है जिसे इंगेजमेंट पॉड कहा जाता है ये आपको व्हाट्सएप पर हो सकता है या टेलीग्राम पर हो सकता है या इंस्टाग्राम में हो सकता है तो बेसिकली जब ये स्टार्ट हुआ था ये कॉन्सेप्ट जब आया था क्योंकि बैक इन 2017 जब इंस्टाग्राम ने इंगेजमेंट बेस्ड एल्गोरिदम लॉन्च करके अपनी रीच को रिस्ट्रिक्ट कर दिया था तो उस टाइम कंटेंट क्रिएटर्स ने ये एक सोल्यूशन निकाला था कि हम एक बेसिक एंगेजमेंट के लिए क्रॉस इंगेजमेंट टाइप की चीज को प्रैक्टिस करते हैं राइट तो उस समय ये चीज़ स्टार्ट हुआ था और उस समय ये काम भी करता था क्योंकि आपको इनिशियल इंगेजमेंट जो होती है एक बे एक नॉर्मल इंगेजमेंट जो आपको चाहिए होती है वो आपको इन एंगेजमेंट पॉट से मिल जाती थी राइट और उसके बाद फिर आपको प्लेटफॉर्म जो उसके बाद का जो फर्दर बूस्ट है आपको जो फर्दर रीच है वो दे देता था, था, था बट लेटर ऑन विथ टाइम टू टाइम क्या हुआ कि इंस्टाग्राम इस चीज़ को समझने लगा जैसे जैसे अपने एलग्रिदम्स में इम्प्रूवमेंट की अपने अपने बॉट bot, अपने बॉट्स में इंप्रूवमेंट किया इंस्टाग्राम ने वैसे इन चीज़ों को समझने लगा कि अगर इंगेजमेंट एक सिंगल लिंक से या एक सिंगल सोर्स से आ रहा है देन दैट कुड बी थ्रू एंगेजमेंट पॉट्स एंड इस वजह से अब इंगेजमेंट पॉट्स की वजह से आपकी रीच घटने लगी है एंड ये हो रहा है हर कंटेंट क्रिएटर के साथ एज यू आर वेरी मच रेगुलर विथ एंगेजमेंट पॉट्स उसके वजह से आपकी रीच जो है वो गिरने लगती है आपने कमेंट्स तो एक्सचेंज uh, कर लिया लाइक्स एक्सचेंज कर लिया ताकि ब्रांड्स को दिखे लोगों को भी दिखे कि लोग आपके कॉन्टेंट के साथ एंगेज कर रहे हैं बट क्या उसका जेनविन कोई वैल्यू है नहीं है इट्स एटलीस्ट एक इनिशियल टाइम में उसका आपको इनिशियल रीच देने का इनिशियल एंगेजमेंट देने का भी एक पॉइंट था बट जो कि अब बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि इंस्टाग्राम समझ जाता है प्लेटफॉर्म बहुत स्मार्ट है सो so, अब करेंट टाइम में क्या होता है कि उस चीज का आपको निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है आपको कोई भी अगर सजेस्ट करता है कि आप किसी तरह का एंगेजमेंट पॉट यूज करो प्लीज बी अवेयर ऑफ एट राइट एंड हो सकता है कि किसी बंदे ने पहले टाइम में यूज़ किया हो बैक इन 2017 और 18 और 19 लोगों ने इंगेजमेंट पॉड्स काफ़ी ज़्यादा यूज़ किए एंड उससे प्रोफाइल को फ़ायदा भी होता है होता था इनफैक्ट बट अब ऐसा नहीं होता सो प्लीज़ बी अवेयर कि अगर आपको कोई भी आपने अपना प्रोफाइल किसी सोशल मीडिया मैनेजर को हैंडल करने दिया है या आपके टीम में कोई सोशल मीडिया मैनेजर है प्लीज़ मेक श्योर कि वो इंगेजमेंट पॉड्स का यूज़ ना कर रहे हो ये आपके प्रोफाइल को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाएगा राइट right? तो राधर देन यूजिंग एंगेजमेंट पॉट्स आप जेनविन कंटेंट पर ज्यादा डिपेंड करो रिलेवेंट कंटेंट पर ज्यादा डिपेंड करो आप बाकी कंटेंट क्रिएटर्स के साथ एंगेज करो ऑन द रेगुलर पोस्ट बल्कि इसके जगह अच्छा होगा कि आप अपने ऑडियंस के साथ एंगेज करो उससे आपके प्रोफाइल को ज्यादा फायदा होगा रादर देन यूजिंग दिस रैंडम एंगेजमेंट बॉट्स इफ यू लाइक द स्टेप प्लीज शेयर विद फ्रेंड्स एंड योर डिजिटल मार्केटिंग फ्रेंड्स एंड योर सोशल मीडिया फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अपस्केल एंड कीप फॉलोइंग फॉर अपस्केलिंग योर सेल्फ थैंक यू